समझ में आया दिमाग में घुसा कि नहीं? So guys, 42 साल पहले भी हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी और आज भी हमारे पास वही अवेलेबल है विद एडवांस फीचर। आप देखना चाहते हैं तो बने रहे आगे व्लॉग में। चलो देखिए और गाइस आपको एक ऐतिहासिक चीज दिखानी पड़ेगी मेरे को। नमस्कार, आ गए हैं वापस से और आज जो है हम करने वाले हैं सफाई। गाइस मिल चुकी है लिस्ट, आज ये सारे के सारे काम निपटा देते हैं। और ऑथराइज किसने किया गया है? हमारी माताजी ने। आज है संडे तो मतलब हमको पूरा रगड़ना है। खुद दो चल। थैंक यू। ये तो कॉपी किया है। ये तो कॉपी किया। आज बनेंगे गाइस मूली वाले पराठे, जिसको खा के बाद में आपको पता ही क्या होता है। 20 डिग्री हाँ जी, लेकिन लेकिन आज ना वो ठंडक है, एक स्पेशल वाला जो फ्लेवर होता है ना ठंड वाला, वो डाल दिया आज। ओहो, जिसे बोलते हैं शीतलहर। बाहर ठंडा हो गया, पानी भी एकदम कूल हो गया। अच्छा गाइस, ये देखिए हमने सफाई वाले बुलाए हुए हैं। ये इनका कपड़ा नीचे गिर गया था, ये 5000 बार वाजे लगा चुके हैं। ये देखो कपड़ा, अरे अकल नहीं का दूसरे के ऊपर झाड़ रहे हो, देखते कैसा लग रहा है। यस गाइस, हो चुका है पंखा साफ। और ये कबाड़ी वाले, ओ सॉरी, वो पंखे साफ करने वाले भैया आ चुके हैं। ये बैठे गाइस, ये देखो इनको क्या हो गया एकदम से, भूख लगी। हाँ ठीक है, देते हैं रुक जाओ, बनने दो अभी। भाई साहब अच्छे से साफ करना, पैसे नहीं देंगे हम नहीं तो। हाँ बता दे रहे हैं पहले ही। पूरे रूम में गाइस कबाड़ी वाले सॉरी साफ करने वाले भैया ने मिट्टी डाल दी है। कबाड़ी वाला कबाड़ी तो अरे वो निकल गया मुझसे, वो देख मुझसे निकल। सो गाइस, रात को कपड़े डाले थे सूखने के लिए। हमारे घर में एक रिवाज है, रात को कपड़े धोएंगे। ओह माय गॉड, वाओ, है ना? ये क्या रिवाज है भाई साहब? ये हमारा रिवाज। फटाफट कपड़े उठाते हैं। So guys, पहला टास्क जो है कंप्लीट हो गया है, जो कि था फैन क्लीनिंग का, उस पर टिक भी लग चुका है। अंग्रेजी भी मत जाना क्योंकि ये मम्मा की अंग्रेजी है। फैन क्लीनिंग, ब्लैंकेट इज क्लीन, सीसीटीवी कैमरा, वाटर टैंक मूव, ये सब कुछ। ओ भाई साहब, ये चाय बनाई जा रही है, सरफ की चाय बनाई जा रही है सर। कंबल का टास्क शुरू हो चुका है। हाँ जी भाई साहब, 5 कप चाय लगा देना सरफ वाली। अरे सरफ वाली नहीं है भैया, इसको झाग वाली, मलाई वाली। हाँ झाग वाली चाय अभी पिलाते हैं। और ये चलेगा गाइस ब्लैंकेट पानी में ही, धीरे धीरे जान दो नहीं तो क्या, मलाई से बाहर आ गया। व्हाट इन दिस, देख रहे हो मलाई साइड से बाहर आ गया। या मलाई किस कंपनी की है जी? अब ये कंपनी की मुसूबी थोड़ी करनी है। ये नहीं बताते, सीक्रेट है भाई। या या, टॉप सीक्रेट। ये वो सीक्रेट मसाले हैं। सीक्रेट मसाले जो कि हम घर पे कुछ बनाते हैं, ये हमारा पूर्वजों का जी नुस्खा है। हाँ नुस्खा है। कहीं खुद उगा के लेकर आते हो क्या? हाँ। मंगल ग्रह पे पुश्तो से चली आ रही है। तो जमीन पे उगती चीजे मार्केट में मिलती है, कौन सी खेती है तुम्हारी? चलो देखिए, नहाएंगे भाई साहब आज। अरे ठंड है भाई साहब, नहाएंगे जैकी। नहीं नहाएगा जैकी, आओ चलो घर के कारपेंटर। ये कौन सा है? किचन डोर, किचन का
दरवाजा कसम है, ठीक है, किचन कवर्ड डोर, हाँ वो वाला टास्क किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अभी सारे सफाई वालों थक गए हैं, चाय जितनी पिलाई थी वो खत्म हो गई, अब नाश्ता खाएंगे फिर एनर्जी बनाएंगे और फिर जाएंगे। ओके तो गाइस हमारे जो है मैकेनिक साहब घुस चुके हैं अंदर, अब ये क्या हो रहा है, कंबल धोने की तैयारी हो रही है। अच्छा सो गाइस मैकेनिक साहब का कहना है कि यहाँ से लेके प्लाई में कहाँ तक पूरा यहाँ तक क्या भाई, अच्छा इतना ही क्या, यहाँ से यहाँ तक जो है अगर है ना बड़ा के बात बोलेंगे यहाँ पे प्लाई फट चुकी है और अभी जो है फेविकॉल भरेंगे और ये एक और मैकेनिक कारपेंटर का पैठी कार वो देखो, हाँ ये देखिए टूथपिक, अब एक ऐसा कारपेंटर गाइस आपको दिखा रहे हैं लोग टूथपिक का इस्तेमाल जो है दांत साफ करने में करते हैं, लीजिए कारपेंटर साहब टूथपिक, और ये जो है नट कसने में करते हैं, कारपेंटरी में कर रहे हैं। वाह भाई साहब वाह वाह वाह, इसे क्या मस्त अंदर तक फेविकॉल भर जाता है। अच्छा ये अब गारंटीड है, अरे भाई साहब आप फिक्र ही मत करो मैं कह रहा हूँ। अच्छा यूं अच्छा चलो ठीक है ना, हाँ वहाँ ठंड लग रही है, वहाँ ठंड लग रही है, हाँ तो मैं तो नीचे ये बिछा के उसके ऊपर कंबल दूंगा। अच्छा उसके ऊपर कंबल दोगे, अरे सीधा सीधा बोल रहा है इसको भी धोना है, इसको धोना नहीं है इसको धोना नहीं है, ठंड से जुगाड़ कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा ठंड से जुगाड़ कर रहे हैं ये भाई साहब, इस पर क्या नीचे ठंडा नहीं लगेगा, ठंडा नहीं लगेगा सही बात है। ओ भाई साहब 35 किलो का कंबल, ओहो 100 किलो का आदमी ऊपर चढ़ गया है भाई, वो ठंडा पानी है, अरे ये तो मजाक सा कर रहे हो आप, रोज सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, अरे वीडियो में बताना पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अच्छा फिर ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं देसी वॉशिंग मशीन। जब एक मामूली से कंबल के ऊपर 100 किलो का आदमी चढ़ जाए तो देखो ऐसे पूरा गंद निकल जाता है, ये देसी स्टाइल है, हैं इससे रोम रोम खुल जाता है कंबल का, नहीं कंबल की भी चीखे निकल जाती है। और गाइस हमारा कल है मैथ्स का एग्जाम और हम यहाँ पे मजे कर रहे हैं, वो उसमें से एक दरवाजा, ओके सो गाइस हमारे कारपेंटर साहब ने दरवाजे से कब्जा खोल के इसमें लगा दिया, क्या है ना उसको कब्ज हो गई। ओ भाई साहब, ओ हेलो भाई साहब, किस लाइन में घुस गए आप। सो गाइस एक कब्जा जो है लगा दिया है सक्सेसफुली, अब दूसरे कब्जे की बारी, अब आपको मिलते है सीधा डोर फिनिश होने के बाद। और ये हमारे मोटसा जो है अपने आखिरी पड़ाव की ओर, ये गाइस नया फाइबर वाला झाड़ू हमको ललचाया जा रहा है कि झाड़ू लगाइए आप। सो गाइस इसने देखो नीचे वाला कब्जा कर दिया, लेकिन ऊपर वाला कब्जे का जो है ये तो भारी रहने दिया, ये क्या हुआ भाई साहब, गाइस जस्ट इंजीनियरिंग गया दरवाजा गया, बच गया इधर गया उधर गया उधर तो गया था। सो गाइस हम शानू को अंदर बंद करने जा, बाय बाय। भाई साहब आपने ज्यादा कर दिया, जाए नहीं रहा अंदर। ओह नो, ये ऊपर से ये देखो हट रहा है, ऊपर से हट रहा है, ऊपर से हट रहा है, ठीक है सो गया भाई साहब आपने किया जो भी किया बंद कर तो ये पोपट हो गया है, बंद तो कर तो। सो गाइस सेकंड ट्राई, क्या भाई साहब आपको लगता है कि अरे व्लॉग शूट हो रहा है। हेलो हाँ हाँ शानू, हाँ जी इंजीनियर भाई साहब, अरे भाई साहब अरे व्लॉग शूट हो रहा है, थोड़ा धीरे, आर यू कॉमेडी मी, पहले यार आप लड़ लो है ना फिर मैं करता हूँ। ये गाइस ओके, ये हो गया अपना परफेक्ट सेकंड ट्राई में। और एक और बात देखी तूने क्या, इसको भी कस
हाँ जी, क्या बोलता पब्लिक? पब्लिक कंप्लीटेड, टैक्स कंप्लीटेड, टैक्स। सो गाइस, ये भी हो चुका है क्लीन, तो ये टास्क भी हो गया कंप्लीट। और सबसे पहले तो ब्लैंकेट इज क्लीन। ओके, ब्लैंकेट क्लीन हो गया। अरे चल भाई, हाँ। और एक रेप नीचे पंजाबी में लिख दिया यार मम्मा ने, अभी हमको भी नहीं समझ आ रहा। एलईडी पैनल, हाँ एलईडी वगैरह कह रहा। ये तार जो आपको लटकी हुई दिख रही है ना, ये है। हाँ, और कौन सा था एक? किचन कबर्ड, हाँ, किचन कबर्ड डोर, ये वाला भी हो गया। हमारा पापा वॉशिंग मशीन से कम है के तीनों कंबल धो दिए। और गाइस, आपको एक ऐतिहासिक चीज दिखानी पड़ेगी मेरे को, वो है गाइस ये गाइस आपको लग रही होगी ये कुर्सी है ना, इसके ऊपर सिंपली बैठते हैं, लेकिन नहीं, हमारे घर पे ये जो कुर्सी है इसके ऊपर मतलब एक ड्रायर है बेसिकली। अब पूछो कैसे, क्योंकि गाइस इसके ऊपर निचड़ता कंबल रखो और ऊपर से 100 किलो का आदमी जब बैठेगा तो कंबल के तो वैसे ही पूरा पानी निकल जाना है और पूरा ड्राई एकदम मिलेगा आपको कंबल। इससे बढ़िया वॉशिंग मशीन आपने कभी नहीं देखी होगी। सो गाइस, अभी हो रहा है टंकी खाली करने का टास्क, उसके बाद में इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। और ये हमारे बैडमिंटन वगैरह, अभी पानी जो है अंदर उसको पीछे खाली करना है। तो गाइस, यहाँ से हो चुकी है सफाई और टंकी भी साफ हो चुकी है, खाली हो चुकी है। और हमारे माता श्री जो है अंदर से एकदम क्लीन कर दी है। अब कहाँ ले जा रहे हो उसको? पानी फेंक के धो लो ना बाहर। अच्छा अच्छा, और धोनी है गाइस बाहर से भी। टंकी मूविंग टास्क भी हो गया कंप्लीट। सो ये भी कंप्लीट हो गया, और क्या बचा अब ऊपर ऑफिस वगैरह वाला करता पड़ा। हाँ, ये इस ट्रिप को सही करना है, ये नीचे लटक गई पूरी गाइस। सो गाइस, हमारी वॉशिंग मशीन भी अब बाहर आ चुकी है। और गाइस ये देखिए, अभी जो है स्ट्रिप, ये देखो हमने जो पैनल बनाया था ऊपर लाइट्स और इधर वाली एलईडी ठीक है बराबर है, लेकिन नीचे जो है ना ये जो है पूरी नीचे लटक रही है, तो इसको पहले सही करते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये भाई साहब भी आ चुके हैं हेल्प कराने के लिए। हाँ जी, नीचे घुसो, फिर घुसो, नीचे घुसो। नहीं करिए को यहाँ से ना, लेकिन अभी क्या खिलौना चाहिए पौधे को? चाहिए बॉल। ओह माय गॉड, चलो ठीक कर देते हैं लाइट। सो गाइस, अभी जो है लकड़ी दे के इसको सही करा जा रहा है, जाले वाले भी साफ करने पड़ेंगे। और ये पिलर की तरह नहीं भाई, लैंडस्केप में लगा। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे सेट हो, वही तो बोलो लैंडस्केप में लगा, तू पोर्ट्रेट में लगा रहा है, उस कटिंग के ऊपर चढ़ा दे, मोटी लकड़ी ले, ये तो निकल जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले अब हटा रहे हैं मकड़ी के जाले। अरे इन भाई साहब, आप साफ कर लो। सो गाइस, अभी लॉजिक पे बात छिड़ी है और शानू को ऐसे थोड़ी सी बातें सुनाई गई है। हाँ जी, आपका जीएम क्या कहता था पापा है? अभी मैं जीएम साहब का नाम तो नहीं लूंगा, हाँ। जब जॉब करते थे ना प्रोजेक्ट में, हाँ। वैसे लाइटिंग वाइटिंग के काम होते थे, हमारी टीम साथ में लगी हुई। अच्छा, मैं ऐसे खड़ा, करो यार करो, इतने में जीएम साहब आए, समझ ले, आगे चल के तेरे को भी अपने बच्चों को ऐसे ही सारे लॉजिक देने हैं, और वही लॉजिक इस, इस, इस बंदे को भी कोई लॉजिक दो, कहीं पे भी जा रहा है ये देखो ना। मतलब ऐसा नहीं कि लाइट ठीक करने दे भाई साहब, अपने पैर पे खाज करनी है तो पीछे होके कर लो, यहाँ पे जरूरी घुस के करनी है आपने। काम खत्म करो फटाफट, अभी बहुत काम पड़ा लिस्ट में। सो गाइस, एलईडी का टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है फाइनली अपनी पढ़ाई करने का, क्योंकि मैथ का एग्जाम है कल, और मेरी मैथ आपको पता नहीं इतनी वीक है ना कि मतलब सिर्फ पासिंग मार्क्स ही पाते हैं। ये देख लो भाई साहब, इनको मस्ती चढ़ गई है, नहीं चढ़ी है, अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ। सो गाइस, थकार के सब जो है अभी सफाई वफाई करके बैठे हैं, और अभी सबकी बैटरी जो है लो हो चुकी है इंक्लूडिंग जैकी, और अभी सब रिफ्यूलिंग कर रहे हैं अपने आप को। हाँ जी,
तो कैसा लगा आज का काम करके? बहुत तगड़ा, अंदर से वो गर्मी बाहर आई पूरी। और भाई साहब, हाँ जी, टास्क कंप्लीट हो गए सारे? कंप्लीटेड ऑल ऑल ओके। हाँ जी, तो नमस्कार गाइस, अभी हो चुके हैं शाम और शाम के बज रहे हैं 5। गाइस क्या बताएं, मैथ्स है, यू नो टाइम लगता ही है थोड़ा, और अभी भी 4 चैप्टर बाकी हैं, अभी थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर आए हैं। सो गाइस, अभी हो चुके हैं शाम के, मतलब 7 बज चुके हैं, और आज जो है इनविटेशन आया हुआ है चाचा जी की तरफ से, उनके घर आज खाना है। सो चले लाल जी? हाँ बिल्कुल, मजे मारने के लिए बल्ले 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 करना है। ओके जी, बड़ा खाना है, सो लेट्स गो, बल्ले बल्ले करेंगे जाके। मैं तो हल्दी खान जाऊंगी, हल्दी। अच्छा, हल्दी की सब्जियां मजेदार। ओके चलिए चलते हैं, और अभी आपको एक रामू काका से मिलाते हैं। हेलो रामू काका। गाइस हमारे रामू काका बहुत मेहनती हैं, सुबह 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 से लेके शाम तक प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद में गाड़ी साफ करते हैं। ये आपका पार्ट टाइम है? ओए ये क्या था? अच्छा, ओए ओए, डब्लू है डब्लू। मैं कहा ये कौन आ गया? मैं कहा कौन आ गया ये? हेलो, कैसे हो? बढ़िया, पढ़ते चलो संतो। हेलो लाडी। और गाइस आज जो है एकदम राजस्थानी टच में जो है एकदम अपना डिनर जो है यहाँ पे रखा गया, बहुत ही बढ़िया चाचा जी की तरफ से जो है। अच्छा, हल्दी की सब्जी बनाई गई है यहाँ पे, राजस्थानी खाना भी है। हाँ जी, खाना भी राजस्थानी है, हल्दी। ये भाई साहब क्या रंग रूप है, वाई वाई वाई, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। चौगा ताली लग के आ चुके हैं, और भाई साहब हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया। तो आपको मिलते हैं खाने के, तुमने भी खाना शुरू कर दिया। वही तो बोल रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि साफी और लाडी एक साथ वैसे से थाली में, लाडी तो अपना हिस्से का खा के उठ गया लेकिन साफी फंस गई। हाँ वही, अब साफी फंस गई, अब देखो क्या अंजाम आता है। अभी आ गई खाना, बहुत मीठा गजरेला भी बाकी है, अभी गाजर का। लेकिन जो मर्जी हो, खाना बहुत बढ़िया बना था चाचा जी, बहुत बढ़िया, मजा सा आ गया। अभी गाइस चल रहा है यहाँ पर, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, अगर गाइस आप में किसी में दम है तो ये करके दिखाओ, लड़ी कर, ये करके दिखाओ, बोला ये फिर ये करके दिखाओ, ये यू यू, फिर ये करके दिखाओ, बोलो ये हाथ उठाइए, उसके बाद में ये कर ये करके दिखाओ, उसके बाद में ये करके दिखाओ, ये साफ बना के दिखाओ, ये मैंने अंगूठा तोड़ दिया। हाँ जी, आप में क्या टैलेंट है मेन साहब, आप में क्या टैलेंट है? ओके गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।